राधे राधे। सावन का अंतिम सोमवार इस साल के लिए, आशा करता हूँ भगवान शिव की आप सबने अच्छे से भक्ति प्रार्थना की होगी, अपनी सभी की मंगल कामनाओं के लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया होगा। मेरे बताए हुए डिफरेंट राशि के जातकों ने डिफरेंट तरीके के उपाय भी किए होंगे। पिछला सप्ताह अच्छा गया होगा, आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के स्वामी है शनि, शुभ रत्न है नीलम, शुभ रुद्राक्ष है सातमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह सितारे आपके साथ हैं, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, सुखद वातावरण भी मिलेगा, कामकाज के प्रति आप समर्पित भाव बनाए रखेंगे। आपको यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको मेहनत के शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे, लोग आपकी कार्यक्षमता को सहारेंगे, चीज़ें आपके समर्थन में होंगी, विदेश व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, आय बढ़ेगी। छात्रों को इस सप्ताह सफलता आसानी से प्राप्त होगी, प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियों की अनोखी अनुभूतियाँ आपको महसूस होंगी, परिवार में सब कुछ सामान्य रहेगा, परिवार के साथ आप घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा गंभीर रहने की आवश्यकता होगी, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। तो देखा जाए तो सप्ताह एक नॉर्मल सप्ताह है, सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते हैं कुछ उपाय। आपको चाहिए कि आपको बंदरों को कुछ केले का दान करें और या फिर उनको दूध दें, कुत्तों की आपको सेवा करनी चाहिए, गाय बैल को आपको दूध और चावल खिलाने चाहिए, चांदी का एक आयताकार टुकड़ा जमीन में दबाएं, अंधे लोगों को आपको भोजन कराएं, शराब मदिरा से आपको दूर रहना है। तो यदि ये कुछ उपाय करते हैं तो आपके आने वाले सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। तो हर सप्ताह में जैसे डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए डिफरेंट उपाय बताता हूँ, और लास्ट में हमेशा एक चीज़ पर मैंने फोकस करने के लिए कहा है, संयम, सेवा करना, भक्ति भाव और अपने आप पर एक वाणी पर कंट्रोल करना। यदि ये चार चीज़ें आपके अंदर इनकल्केट हो जाएं, जिनको आप हमेशा के लिए एक मूल मंत्र मान लें, तो आपका बाकी सारे उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल इन्हीं चीज़ों को अपने लाइफ का एक पार्ट बना लें, इनको रेगुलरली फॉलो करें, रिलीजियसली एंड रेगुलरली, तो किसी भी आने वाली मुसीबत से आप बच सकते हैं। मुसीबतें आएंगी, टाइम ख़राब आएगा, क्योंकि ये समय डिपेंड करता है आपके पिछले जन्म के कर्मा से, जो इस समय के आपकी महादशा, अंतरदशा, पतंतरदशा, योग दोष, सब दशा, सब सब दशा, उनका जो कंजंक्शन है वो हर एक किसी इंसान की लाइफ में बनता रहेगा। बट यदि आपका टोटल पॉजिटिव सम बैलेंस, आप हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अपने कर्मों से अपने टोटल पॉजिटिव सम बैलेंस को टोटल नेगेटिव सम बैलेंस से ऊपर रखना है, तो कितनी भी परेशानियाँ आएँ आप उनसे ओवरकम कर पाएंगे। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि कोई परेशानी आई, समय हमेशा नॉर्मल एक अच्छा समय चलता रहेगा। तो ये एक गुरु मंत्र है जो आपको हमेशा याद रखना है कि अपने आप को हर उपाय, विच इज़ जनरली जो मैंने बताया चार उपाय, वृद्धों की सेवा करना बिना किसी भाव से कि आपको कुछ लेना है या आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है, जब भी पॉसिबल हो सके आपके अपने आचार अच्छे विचार रखने हैं, यदि ये सब चीज़ें आप रेगुलरली करते हैं तो आने वाला सप्ताह ही नहीं, आने वाले सारे सप्ताह जीवन आपके लिए शुभकारी रहेगा। आने वाला सप्ताह और आने वाला समय सभी राशि के जातकों के लिए अच्छा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। मैं महागुरु गौरव।